गरीब के घर जादुई मटका का कूलर। माँ, हम लोग घर कब जाएंगे? मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है। हाँ माँ, और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। बस थोड़ी देर और मेरे बच्चों, आज सुबह से मेरे एक भी मटके की बिक्री नहीं हुई है, इसलिए 2-3 मटके की बिक्री हो जाने दो, फिर हम लोग घर चलेंगे। इतना कहकर अनुराधा गर्मी के कड़कड़ाती धूप में अपनी दोनों बेटियां पूर्वी और मिष्टी के साथ बाजार में मटके बेच रही होती है। आइए आइए बहन जी, मिट्टी के सुंदर सुंदर खूबसूरत मटके ले जाइए, ठंडे ठंडे पानी का मजा लीजिए। आइए आइए। अरे आजकल के जमाने में ये मटका का पानी कौन भला पी रहा है? आजकल तो हर किसी के घर में फ्रिज होता है और लोगों को फ्रिज का पानी पीना ही अच्छा लगता है, तो फिर हम लोग ये मटका खरीद कर ही क्या करेंगे? इतना बोलकर वो औरत वहाँ से चली जाती है और पूरे दिन अनुराधा से कोई भी मटका नहीं खरीदता है सिवाय 1-2 आदमी के, और इसी वजह से अनुराधा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पति के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अनुराधा के कंधों पर ही आ जाती है और अपने बीमार सास ससुर की सारी दवाइयों का खर्चा भी अनुराधा को अकेले ही उठाना पड़ता है। उसी दिन जब शाम को अनुराधा अपनी दोनों बेटियों के साथ घर वापस जाती है तो उसकी सास उसे कहती है, अरे बहू तू आ गई, मैं कब से तेरा ही इंतजार कर रही थी। तेरे ससुर जी की दवाइयाँ खत्म हो गई है और अगर उन्हें टाइम पर दवाइयाँ नहीं मिलेगी तो उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मटके बेचकर जो मुझे थोड़े बहुत पैसे मिले हैं मैं उससे अभी जाकर पिताजी की दवाइयाँ लेकर आती हूँ। बहू मुझे माफ कर दे, राजेश के जाने के बाद हम लोग भी तेरे ऊपर बोझ बनकर रह गए हैं, ना तो हम तेरे किसी काम में हाथ बटा सकते हैं और ना ही तेरी कोई मदद कर सकते हैं। माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप लोगों का ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है, खबरदार जो आज के बाद आपने अपने आप को बोझ कहा तो। ये तो बस किस्मत का खेल है जिसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब आप आराम कीजिए, मैं पिताजी की दवाइयाँ लेकर आती हूँ। इतना कहकर अनुराधा उन पैसों से अपने ससुर जी की सारी दवाइयाँ खरीद कर ले आती है और फिर चूल्हे की आग के सामने बैठकर सबके लिए खाना बनाती है, और खाना खाने के बाद जब वे लोग सोने जाते हैं तो उसी समय अनुराधा की बेटी मिष्टी कहती है, माँ देखो ना मेरे पेट पर कितनी खुजली हो रही है और खुजली की वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही है। हाँ माँ मेरी गर्दन पे भी बहुत खुजली हो रही है और जलन भी मच रही है। इतना सुनकर अनुराधा जैसे ही अपने दोनों बेटियों की गर्दन और पीठ को देखती है तो वो कहती है, अरे ये क्या, तुम लोगों के पीठ और गर्दन पे तो गर्मी की वजह से घमौरियां हो गई है और ज्यादा खुजली करने की वजह से तुम लोगों को जलन भी हो रही है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं एक पंखा लगवा सकूं, और अगर तुम लोग ऐसे ही खुजली करती रही तो कहीं ये घाव ना बन जाए। इतना कहकर अनुराधा फटाफट से नीम के पत्ते तोड़कर लाती है और उसका लेप बनाकर अपनी बेटियों के गर्दन और पीठ पर लगा देती है, जिसकी वजह से उसकी बेटियों को काफी राहत मिलती है। और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाता है, तभी एक दिन रोज की तरह ही अनुराधा नदी के पास मिट्टी लेने जाती है तो वो देखती है कि नदी के किनारे एक सुनहरे रंग की मछली पानी के बाहर तड़प रही होती है और उसकी पूंछ में से खून निकल रहा होता है। ये देखकर अनुराधा फटाफट से उस मछली के पास जाती है और कहती है, अरे इस मछली के पूंछ में से तो बहुत खून निकल रहा है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इतना बोलकर अनुराधा अपनी साड़ी के पल्लू में से कपड़ा फाड़ कर उस मछली के पूंछ में बांध देती है और फिर उस मछली को हाथ में उठाकर नदी के अंदर वापस डाल देती है, जिसके बाद वो मछली वापस से पानी में तैरने लगती है और ये देखकर अनुराधा को बहुत खुशी होती है
और ऐसे ही जब हर रोज अनुराधा नदी के पास मिट्टी लेने जाती है तो वह घंटों उस मछली से बैठकर बातें किया करती थी और उसे ऐसा करने में बहुत अच्छा लगता था। लेकिन वही गर्मी की वजह से उसके परिवार की तकलीफें और भी बढ़ती जा रही थी और अब उनके घर में खाने तक के लाले पड़ गए थे और गर्मी की वजह से उसके परिवार की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी। माँ, ये गर्मी का मौसम कब खत्म होगा? मुझसे तो अब ये गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ माँ, और गर्मी के साथ साथ मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो ना माँ। हाँ बहू, भूख की वजह से तो तेरे ससुर जी की हालत दिन ब दिन और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। अपने परिवार की ऐसी हालत देखकर अनुराधा को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए उसी नदी के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, हे भगवान, हम मैं क्या करूं? मुझसे अपने परिवार की ऐसी हालत और नहीं देखी जाती। दिन रात धूप में कड़ी मेहनत करने के बाद भी मैं अपने परिवार को दो वक्त की रोटी तक नहीं खिला पा रही हूँ और ना ही उन्हें गर्मी से बचा पा रही हूँ। इतना बोलकर अनुराधा जोर जोर से रोने लगती है। तभी अनुराधा के रोने की आवाज़ सुनकर वो सुनहरी मछली उसके पास आ जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ अनुराधा, तुम आज इतनी परेशान क्यों लग रही हो? उस मछली के इतना कहते ही अनुराधा हैरान हो जाती है और कहती है, ये क्या, तुम तो हमारी तरह बोल सकती हो। हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई मछली हूँ और उस दिन तुमने मेरी मदद करके मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया था, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है? जादुई मछली के इतना कहते ही अनुराधा उसे अपने परिवार की सारी तकलीफों के बारे में बता देती है, जिसके बाद वो जादुई मछली कहती है, बस इतनी सी बात, रुको मैं तुम्हारी ये परेशानी अभी दूर कर देती हूँ। इतना कहते ही उस जादुई मछली के अंदर से एक रोशनी निकलती है और वो रोशनी जाकर मिट्टी के अंदर समा जाती है, जिसके बाद वो जादुई मछली कहती है, अनुराधा, आज से ये सारी मिट्टी एक जादुई मिट्टी में बदल गई है, इसलिए अब जब तुम इस मिट्टी से अपने मटके को बनाओगी तो तुम्हारा वो मटका भी जादुई मटके में बदल जाएगा और फिर तुम उस जादुई मटके से जो भी कुछ मांगोगी वो मटका तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। क्या तुम सच कह रही हो जादुई मछली? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर अनुराधा वहाँ से ढेर सारी मिट्टी इकट्ठा करके अपने घर ले जाती है और उससे मटके बनाकर तैयार कर लेती है और कहती है, अरे मुझे तो ये भी एक साधारण मटके की तरह ही लग रहा है, चलो इसमें एक बार पानी डालकर देखती हूँ। इतना कहकर अनुराधा जैसे ही उस मटके के अंदर पानी डालती है वैसे ही उस मटके के अंदर से ठंडी ठंडी हवा बाहर आनी शुरू हो जाती है, जैसे मानो उसके अंदर कोई कूलर चल रहा हो। ये देखकर अनुराधा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये क्या, इस मटके के अंदर पानी डालते ही ये तो बिल्कुल कूलर की तरह काम कर रहा है, सच में ये तो बिल्कुल एक जादुई मटका है। अरे क्या हुआ बहू, हमारा ये भट्टी जैसा घर आज अचानक से इतना ठंडा कैसे हो गया है? अपनी सास के ऐसा कहने के बाद अनुराधा उसे अपनी सारी बातें बता देती है, जिसके बाद उसकी सास और उसकी दोनों बेटियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसी समय अनुराधा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहती है, माँ जी, क्यों ना मैं ऐसे ही जादुई मटकों का कूलर बनाकर बाजार में बेचूं, जिससे हमारे जैसे कई गरीब परिवारों को मटका कूलर भी मिल जाएगा और लोग अपने परिवार के साथ इस गर्मी में चैन की नींद सो पाएंगे। हाँ बहू, तू बिल्कुल सही कह रही है और इससे तेरी अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी। और इसी तरह अगले दिन से ही अनुराधा बाजार में मटका कूलर बेचना शुरू कर देती है और उसके अनोखे जादुई मटका कूलर को देखकर हर कोई उसके मटके कूलर को खरीदने के लिए उसकी रेहड़ी के पास भीड़ लगा देते हैं। जहाँ अनुराधा से लोग एक दो मटका खरीदा करते थे, वहीं आज अनुराधा के कुछ ही मिनटों में सारे मटके कूलर बिक जाते हैं और
और उसकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। और देखते ही देखते अनुराधा पूरे गांव में मटका कूलर की वजह से बहुत फेमस हो जाती है और अपनी एक बड़ी सी मटका कूलर की दुकान खोलकर अनुराधा अपने परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करने लगती है। अब उसकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती और अब वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। पिताजी, मैं सेठानी के घर जा रही हूँ, शाम को थोड़ी देर से आऊंगी क्योंकि आज उनके घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो आप फिक्र मत करिएगा। मुझे माफ कर देना बेटी, मैं बहुत ही अभागा बाप हूँ जिसकी वजह से इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें इतना सब करना पड़ता है। ऐसा मत कहिए पिताजी, आपने हम दोनों बहनों के लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारी बारी है। और आप चिंता मत करिए, मैंने कुछ पैसे जोड़ के रखे हैं और जैसे ही इस महीने का पगार मिलेगा उसके बाद मैं आपको शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगी, उसके बाद आपका पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वैद्य काका भी कह रहे थे कि अगर आपका सही से इलाज हुआ तो आप फिर से चल सकोगी। अच्छा ठीक है बाबा, आप आराम करिए और छोटी तो बाबा का और अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर कमली अपने गाँव के एक सेठानी के घर झाड़ू पोछे का काम करने चली जाती है। अरे कमली, अच्छा हुआ आज तो जल्दी आ गई। आज शहर से मेरी मौसी की बेटी रीना कुछ दिनों के लिए यहाँ आ रही है, तो उसके लिए गेस्ट रूम की अच्छे से सफाई कर दे। और हाँ, उसे खीर बहुत पसंद है, तो सबके लिए आज शाम को खीर भी बना दियो। ठीक है मालकिन। उसके बाद कमली अपने कामों में लग जाती है। शाम को रीना सेठानी के घर आती है। अरे दीदी, आप तो बिल्कुल ही बदल गई हो, आखिर हम कितने साल बाद मिल रहे हैं। हाँ, मेरे पास मौसी का फोन आया था, वो कह रही थी कि तुम यहाँ अपने जॉब इंटरव्यू के लिए आ रही हो, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और बताओ सब कैसा है? सब अच्छे हैं। तभी वहाँ पर कमली सबके लिए खीर लेकर आती है। दीदी, ये लड़की कौन है? ये मेरे घर की काम वाली है। आपके तो भाग्य ही खुल गए हैं दीदी, एकदम रानी की तरह से रखा हुआ है जीजू ने आपको। सब ऊपर वाले का कर्म है रीना, आज इनके पास जो भी कुछ है वो सब इनकी मेहनत का फल है। खैर छोड़ो, अब तुम आराम कर लो। रीना काफी सालों बाद अपनी बहन परमिला से मिल रही थी और उसके इस तरह अमीरों वाले शानो शौकत देखकर उसको अपनी बहन से बहुत ही जलन होने लगती है। वाह, क्या किस्मत पाई है इस फटीचर ने, पहले कहाँ एक ही कपड़े महीनों चलाती थी और आज इसके अलमीरा में कपड़ों का भंडार लगा है। ये तो महारानी की तरह अपनी जिंदगी गुजार रही है और एक मैं हूँ जो मामूली सी नौकरी के लिए दर दर भटक रही हूँ। ये सोचते हुए रीना सो जाती है। अगली सुबह जब रीना अपनी बहन के कमरे में जाती है तब परमिला अपने अलमीरा में अपनी ज्वेलरी रख रही होती है। अरे रीना, उठ गई तू? ये देख, ये नेकलेस तेरे जीजा ने मुझे पिछले साल ही मेरी एनिवर्सरी पर दिया था। अरे वाह दीदी, ये हार तो बहुत ही सुंदर है, ये तो बहुत ही महंगा होगा ना? अरे पगली, महंगा नहीं बहुत महंगा है, ये तेरे जीजा ने मेरे लिए थाईलैंड से स्पेशल ऑर्डर करके मंगवाया था, पूरे 50 लाख का है। क्या 50 लाख? बहुत अच्छा है दीदी। उसके बाद रीना अपने कमरे में आ जाती है। मैं यहाँ एक एक रुपए के लिए मोहताज हो रही हूँ, ना मेरे पास शॉपिंग करने के पैसे हैं, ना ही घूमने के, और तो और मेरे पास तो जॉब भी नहीं है। मैं तो इंटरव्यू में भी पास नहीं हो पाई और ये महारानी इतना महंगा महंगा हार पहन रही है, आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी? रीना के मन में लालच आ जाता है और वो रात में सबके सो जाने के बाद चुपके से अपनी बहन के कमरे में जाती है और उसका वो हार चुरा कर भागने लगती है। तभी सेठानी की आँखें खुल जाती है। कौन है, कौन है वहाँ? अजी उठिए ना, देखिए लगता है हमारे घर में चोर घुस आया है। लेकिन अंधेरा होने की वजह से कोई भी रीना को देख नहीं पाता और रीना जल्दी से अंधेरा का फायदा उठाकर कमरे से बाहर निकल जाती है। अरे चोर चोर, कोई पकड़ो उस चोर को, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। कमली का घर सेठानी के घर से बिल्कुल सटा ही था और वो सेठानी की आवाज सुनकर उनके घर जाती है तो देखती है कि रीना सेठानी का हार चुरा कर भाग रही है। तभी कमली उसे पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। रीना सबको देखकर घबरा जाती है और जल्दी से हाथ छुड़ाकर कहती है, दीदी ये देखो, ये लड़की तुम्हारे ये हार चुराकर भाग रही थी, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अरे ये तुम क्या बोल रही हो, हार तो तुम चुराकर भाग रही थी। तभी रीना रोने लगती है और कहती है, दीदी मैं ऐसी हरकत करूंगी क्या, ये लड़की मेरे ऊपर सरासर इल्जाम लगा रही है। कमली सच बता, तू ये हार क्यों चुरा रही थी? अच्छा समझी, तेरा वो अपाहिज बाप के इलाज के लिए तो ये हार चुरा रही थी ना? नहीं सेठानी जी, मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपके घर कभी चोरी का सोच भी नहीं सकती। ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं सेठानी, पुलिस को मत फोन करिए, अगर मैं जेल चली गई तो मेरे बाबा और मेरी बहन का क्या होगा, ऐसा मत करिए।
कमली के ऐसा कहने पर वे लोग उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। तुम जैसे चोर लोगों का हमारे गांव में रहना सही नहीं है, इसलिए तुम लोग अभी इस गांव को छोड़कर चली जाओ। कमली रोते हुए अपने बाबा और बहन को लेकर जंगल की तरफ निकल जाती है। कमली बेटी, मैं जानता हूँ कि तुमने चोरी नहीं की है, मेरी बेटी चोर नहीं है। तुम अब रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। कमली अपने बाबा और बहन को एक पेड़ के नीचे बैठाकर उनके लिए पानी लाने नदी के किनारे जाती है। तभी वो देखती है कि एक बूढ़ी औरत पानी में डूब रही है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे ये क्या, अगर उन्हें जल्दी से बाहर नहीं निकाला गया तो ये मर जाएंगी। कमली जल्दी से नदी में कूदकर उस बूढ़ी महिला को बचा लेती है। अरे अम्मा, आप नदी में कैसे गिर गई? बेटा, मेरा घर उस पहाड़ी के ऊपर है और मैं हर रोज इस नदी से पानी लेकर अपने जादुई खेत में पानी डालती हूँ, लेकिन आज इस बुढ़ापे की वजह से मेरा पैर फिसल गया और मैं नदी में गिर गई। अगर आज तुम नहीं होती तो पता नहीं, शायद मैं इस दुनिया में नहीं होती। लेकिन बेटी, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? उसके बाद कमली उस बूढ़ी महिला को अपने बारे में सब कुछ बताती है। बेटी, ये दुनिया है ही ऐसी, यहाँ गरीब लोगों की कोई कदर नहीं होती। बेटी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। उसके बाद कमली अपने बाबा और बहन के साथ उस अम्मा के घर जाती है। वो बूढ़ी अम्मा सबको भर पेट खाना खिलाती है। उसके बाद वो बूढ़ी अम्मा कमली को अपने जादुई तरबूज के खेत के पास ले जाती है। कमली, ये तरबूज का खेत देख रही हो ना, ये मामूली खेत नहीं बल्कि जादुई तरबूज का खेत है। तुमने मेरी जान बचाई, इसके बदले मैं तुम्हें अपने खेत का ये जादुई तरबूज दे रही हूँ। तुम इस तरबूज को किसी खाली जगह पर जाकर रख देना, वहाँ अपने आप ही जादुई तरबूज का बहुत ही खूबसूरत घर बन जाएगा और उस घर में तुम्हें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। कमला उस बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद कर उसके घर के पास ही एक खुले जगह पर वो तरबूज रख देती है और देखते ही देखते वहाँ बहुत ही खूबसूरत तरबूज का घर बन जाता है और उस घर के अंदर उनके जरूरत की सारी चीजें होती है और वहाँ घर के अंदर सोने की अशर्फी से भरा हुआ एक मटका भी होता है। कमली उस सोने की अशर्फी को बेचकर अपने पिता का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करती है और कुछ दिनों के इलाज के बाद उसके पिता बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और फिर सभी मिलजुल कर उस जादुई तरबूज के घर में प्यार से रहने लगते हैं। और इधर रीना एक दिन सेठानी के नजरों के सामने चोरी करती हुई पकड़ी जाती है। अच्छा, तो तू ये सब कर रही है? तभी मैं सोचूं, तेरे आने के बाद ही अचानक से मेरी सारी चीजें गायब कैसे होने लगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तो मुझसे हुई जो मैंने तुझ पर भरोसा करके उस मासूम लड़की को बेइज्जत करके गांव से निकाल दिया, लेकिन अब मैं तुझे माफ नहीं कर सकती। और फिर परमिला पुलिस को फोन करके रीना को पुलिस के हवाले कर देती है और सेठानी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बहुत पछताती है। उधर कमली अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। रंग बिरंगे फ्रॉक के पैर वाला तालाब। बिंदिया नाम की एक लड़की अकेले ही अपने घर में हंसी खुशी रहती थी। बिंदिया अपने घर के बाहर कुछ सब्जी के पौधे लगा रखी थी और उन्हीं सब्जियों को बेचकर अपना घर चलाती थी। एक दिन बिंदिया अपने घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसके घर के बाहर से पड़ोस वाली औरत गुजर रही थी। तभी वह औरत बिंदिया को देखकर अपने मन में सोचती है, आज मेरे घर पे इतने सारे काम हैं और अनाज की बोरी भी बाहर ही रखी है। मेरी बेटी तो अपने दोस्त के साथ बाहर घूमने गई है, इसलिए आज का काम मैं इसी से करवा लेती हूँ। वैसे भी ये तो बहुत ही बेवकूफ लड़की है, कभी किसी का काम करने से मना नहीं करती है। यह सोचकर वह औरत बिंदिया के घर के अंदर जाती है और बिंदिया से बोलती है, बिंदिया बेटी क्या कर रही हो? कुछ नहीं काकी, बस घर की सफाई कर रही हूँ। बेटी, दरअसल आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और मेरी बेटी पढ़ाई करने के लिए कॉलेज गई हुई है और मेरे घर के बाहर अनाज की कुछ बोरियां रखी हुई है, तो तू मेरे कुछ अनाज की बोरी उठाकर घर के अंदर रख दे। ठीक है काकी, मैं घर के काम खत्म करके आती हूँ, उसके बाद मैं आपका काम कर दूंगी। इस तरह वह औरत बिंदिया से झूठ बोलकर
अपना काम निकलवा लेती है। गांव का हर व्यक्ति विंध्या के भोलेपन का फायदा उठाकर उससे काम करवाता था। थोड़ी देर बाद विंध्या उस औरत के घर जाती है और सारी बोरियां उठाकर घर के अंदर रख देती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन विंध्या बाजार से घर का सामान लेकर आ रही थी, तभी विंध्या को देखकर उसी के गांव का एक 8 साल का लड़का सोचता है, लगता है विंध्या दीदी अपने घर जा रही हैं। मेरा स्कूल भी उनके घर के पास है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ गिर जाने का नाटक करता हूँ, उसके बाद ये रिक्शे में मुझे स्कूल तक छोड़ देगी और मैं अपने पैसे बचाकर उसका आइसक्रीम खाऊंगा। वह लड़का बिल्कुल वैसा ही करता है। वह जमीन पर गिर जाने का नाटक करता है और जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, गिरने की वजह से मेरे पैरों में बहुत जोर दर्द हो रही है, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगा, कोई मेरी मदद करो। उस लड़के को रोता देखकर विंध्या उसके पास आती है। क्या हुआ छोटू? दीदी, मुझे रास्ते में पत्थर से चोट लग गया और मैं गिर गया। मैं बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा हूँ। आज मेरे स्कूल का एग्जाम है, इसलिए मुझे स्कूल जाना भी बहुत जरूरी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे स्कूल तक अब जाऊँ। छोटू, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं तुम्हें रिक्शे में तुम्हारे स्कूल तक छोड़ दूंगी और तुम पैसों की चिंता मत करो, वह मैं दे दूंगी। विंध्या उस लड़के को उसके स्कूल तक छोड़ देती है और वापस अपने घर चली जाती है। विंध्या को जाने के बाद वह लड़का सोचता है, इसके जैसा बेवकूफ आज तक मैंने नहीं देखा, इसलिए हर कोई इससे अपना काम निकलवा लेता है। विंध्या की अच्छाई को सब उसकी बेवकूफी समझते थे। विंध्या सबकी भलाई किया करती थी, लेकिन कोई भी उसका परवाह नहीं करता था। गांव का कोई भी व्यक्ति उसका हाल चाल तक नहीं पूछता था। सबकी मदद करने की वजह से विंध्या को खुद की सब्जी का खेती करने का समय ही नहीं मिल पाता था। यही सब विंध्या अपने कमरे में बैठकर सोच रही होती है। अरे, मेरा आज का दिन भी जैसे तैसे चला गया। कल मुझे अपने छोटे से खेत में काम करना ही होगा। वैसे भी बारिश होने वाली है और मैं जल्दी ही अगर अपना काम शुरू नहीं की तो बारिश में मेरी खेतों की तहस नहस हो जाएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं अपना गुजारा कैसे कर पाऊंगी। कल चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे खेतों का काम शुरू करना ही होगा। यह सब सोचकर विंध्या सो जाती है। अगले दिन विंध्या सोकर उठी भी नहीं थी, उससे पहले ही बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। थोड़ी देर बाद विंध्या उठती है और बारिश होता देखती है। यह सब देखकर विंध्या बहुत ही परेशान हो जाती है। अरे, आज तो बहुत जोरों की बारिश हो रही है, आज भी मैं अपना काम शुरू नहीं कर पाऊंगी। इतनी तेज बारिश हो रही है, पता नहीं कब तक बारिश रुकेगी। यह सब देखकर विंध्या बहुत उदास हो जाती है। कई दिनों तक ऐसे ही बारिश होती रहती है, जिसकी वजह से विंध्या के छोटे से सब्जियों के खेत में बहुत सारा पानी जमा हो जाता है। अगली सुबह जब बारिश रुकती है, तब विंध्या घर से बाहर निकलती है और वह देखती है कि उसकी सब्जी के पौधे बारिश की वजह से पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। यह सब देखकर विंध्या बहुत रोने लगती है। ये सब क्या हो गया? अब मैं अपना गुजारा कैसे करूँगी? सब कुछ ठीक होने में तो 3 से 4 महीना लग जाएगा। जब तक मैं अपना गुजारा कैसे करूँगी? घर का राशन भी खत्म होने वाला है और अब तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और विंध्या को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। यहाँ तक कि घर का राशन भी खत्म हो गया था और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। राशन खत्म हो गया है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। जब तक पड़ोस वाली काकी से राशन के लिए कुछ पैसे मांग लाती हूँ, मेरे पास जब होगा तब मैं उन्हें वापस कर दूंगी। यह सब सोचकर विंध्या पड़ोस वाली काकी के घर जाती है और उनसे बोलती है, काकी, आपको तो पता है ना, बारिश की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया है। अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और घर में खाने को राशन भी नहीं है, इसलिए आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तब मैं आपको लौटा दूंगी। अरे बेटी,
मेरे पास जो भी पैसे थे उसे मैं किसी जरूरत के काम में लगा दी हूँ और बाकी के पैसे तो बैंक में रखे हुए हैं। तुम्हें तो पता ही है यहाँ से बैंक कितना दूर है और मेरी तबीयत भी खराब है, फिर तो मैं बैंक भी नहीं जा सकती, इसलिए तुम किसी और से जाकर पैसे मांग लो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। यह सुनकर बिंदिया वहाँ से आ जाती है। उसके बाद बिंदिया उस औरत के पास जाती है जिसने उससे अनाज की बोरियां उठवाई थी। बिंदिया उस औरत से पैसे के लिए कहती है। तब वह औरत कहती है, अरे बिंदिया बेटा, मेरे हाथों में तो पैसे रुकते ही नहीं है, पैसे का तो सारा हिसाब किताब मेरे पति ही रखते हैं। तुझे तो मेरे घर के बारे में पता ही है, तेरे से कुछ छुपा थोड़ी ना है बेटा। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगी। इसी तरह हर कोई बिंदिया को मदद करने से मना कर देते हैं। उदास होकर बिंदिया एक तालाब के किनारे जाकर बैठ जाती है और बोलती है, मैं तो सबकी मदद करती हूँ लेकिन आज मुझे पैसों की जरूरत है तो किसी ने मेरी जरा सी भी मदद नहीं की, लेकिन कोई बात नहीं, एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। तभी बिंदिया की नजर तालाब के बीचों बीच पड़ती है। तालाब के बीचों बीच से तेज चमकदार रोशनी आ रही थी। अरे तालाब के बीचों बीच से ये रोशनी कैसी आ रही है? तभी तालाब बोल पड़ता है, बिंदिया बेटा। अरे ये आवाज़ तालाब से आ रही है क्या? तालाब भी बोल सकता है भला? हाँ बिंदिया, अगर चमत्कारी तालाब हो तो वो बोल भी सकता है। तुम मेरे अंदर आओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यह सुनकर बिंदिया तालाब के अंदर छलांग लगाती है और उसे वहाँ पेड़ पर लगे हुए रंग बिरंगे फ्रॉक नजर आती है। यह सब देखकर बिंदिया चौंक जाती है। अरे वाह, यहाँ तो रंग बिरंगे फ्रॉक का पेड़ है, यह सब तो मैं पहली बार देख रही हूँ। बिंदिया, ये रंग बिरंगे फ्रॉक का पेड़ है, मैं तुम्हें इन रंग बिरंगे फ्रॉक में से एक फ्रॉक दे रहा हूँ, ये फ्रॉक तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगा। तालाब के इतना बोलते ही बिंदिया के हाथों में रंग बिरंगे फ्रॉक आ जाता है और बिंदिया बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तालाब जी, वैसे भी मैं कुछ दिनों से बहुत ही परेशान थी और आपने मेरी मदद करके मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। उसके बाद बिंदिया तालाब में से बाहर आ जाती है। बिंदिया अपने घर की तरफ जा ही रही थी तभी वह देखती है गरीब बूढ़ी अम्मा सड़क के किनारे बैठकर रो रही है। बिंदिया उस गरीब बूढ़ी अम्मा के पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ अम्मा, आप यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी एक बेटी है, मेरी बेटी के लिए एक बहुत ही अमीर घर से रिश्ता आया है लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मैं शादी में कुछ खर्च नहीं कर सकती, यहाँ तक कि मैं उसे शादी में पहनने के लिए एक कपड़े तक खरीद कर नहीं दे सकती हूँ। अगर यह रिश्ता मेरे हाथ से निकल गया तो सारी जिंदगी मेरी बेटी रोती रहेगी। बिंदिया को उस गरीब बूढ़ी अम्मा पर बहुत ही तरस आता है और वह अपना जादुई रंग बिरंगा फ्रॉक उस बूढ़ी अम्मा को दे देती है। अम्मा, आप यह फ्रॉक रख लीजिए, आप इस फ्रॉक से जो भी मांगोगी आपको वो सब मिल जाएगा और इस फ्रॉक की सहायता से आपकी बेटी के शादी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। शुक्रिया बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। इतना बोलकर वह बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है और फिर बिंदिया भी अपने घर आ जाती है। घर आते ही बिंदिया देखती है कि उसके बेड पर सुंदर सा फ्रॉक रखा हुआ है। अरे इस फ्रॉक को तो मैं उस तालाब के पेड़ पर लगा हुआ देखी थी, फिर ये यहाँ कैसे आ गया? तभी फ्रॉक में से आवाज आती है, हाँ मैं वही फ्रॉक हूँ, तुमने उस गरीब बूढ़ी अम्मा की मदद की इसलिए वो चमत्कारी तालाब ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेज दिया है। यह सुनकर बिंदिया बहुत ही खुश होती है। बिंदिया उस रंग बिरंगे जादुई फ्रॉक से बहुत सारे पैसे मांग लेती है और बहुत बड़ी जमीन खरीदती है। उसके बाद बिंदिया उस जमीन में गरीब बच्चों के लिए स्कूल भी बनवाती है। अब मैं इस जमीन पर तरह तरह की खेती करूंगी और मैं खेत पर काम करने के लिए उन लोगों को रखूंगी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, इससे उन्हें रोजगार भी मिल जाएगा
और उनकी गरीबी भी दूर होगी। बिंदिया गांव के कुछ लोगों को अपने खेतों में काम दे देती है और उसका काम शुरू हो जाता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और बिंदिया खुशी खुशी रहने लगती है। तभी शहर से एक अमीर लड़का गांव आता है। उसी वक्त बिंदिया गांव की गरीब लोगों में कपड़े और कुछ खाने का सामान बांट रही थी। बिंदिया को देखकर वो लड़का सोचता है, अरे वाह, ये लड़की कितनी अच्छी है। शहर में तो कोई भी लड़की अच्छी नहीं होती, वो सब सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हैं। मगर मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी लड़की देखी है जो अमीर होने के बाद भी बिल्कुल भी घमंडी नहीं है, और ये तो लोगों की मदद भी कर रही है। मुझे ऐसे ही लड़की की तलाश थी। उसके बाद वो लड़का बिंदिया के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते हैं। हम दोनों काफी देर से बातें कर रहे हैं। आपको जो कुछ भी गांव के बारे में जानना था मैंने सब आपको बता दिया है। अब मैं चलती हूँ। हम दोनों एक दूसरे से इतनी देर बातें किए और अब तक हम दोस्त भी बन गए हैं, तो क्या आप मुझे अपना फोन नंबर दे सकती हो? बिंदिया अपना फोन नंबर उस लड़के को दे देती है। उसके बाद से दोनों फोन पर लंबी लंबी बातें करने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे घर वाले मुझे स्वीकार तो करेंगे ना? बिंदिया, उन्हें मैं पहले ही तुम्हारे बारे में बता चुका हूँ और उन सबको भी तुम बहुत पसंद हो, और अब हम अगले महीने ही धूमधाम से शादी करेंगे। उसके बाद बहुत ही धूमधाम से बिंदिया की शादी हो जाती है और फिर दोनों एक साथ उसी गांव में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।